से बीजेपी सरकार आई है, महिलाओं के संग जो अत्याचार होते हैं, जैसे घर से बहुत कम हो गए। सरकारी योजनाएं भी चला रही है बीजेपी सरकार में, बहुत अच्छी सरकार। सुधार क्या होना चाहिए, अभी भी बहुत कुछ ऐसी मोदी जी बहुत सुधार कर भी रहे हैं, आगे भी करेंगे, उनको मोदी जी से बहुत उम्मीद है। बीजेपी सरकार आई है तो क्या सुधार हुआ है? जो हम लोग रात में नहीं निकल पा रहे थे अब आसानी से निकल रहे, लेकिन हाँ अभी भी थोड़ा सा है जो सुधार करना है, बाकी रह गया है। बहुत सी सीतापुर में ही देखा जा रहा है कितना रेप वगैरह के बारे में सुन रहे हैं, अभी भी टीवी में न्यूज में कितना कुछ दिखा रहे हैं, तो सर थोड़ी तो अभी डेवलपमेंट अभी पूरी तरीके से नहीं हुआ है, जो उसे सुधार करना चाहिए। ऐसे ही कर रहा तो कुछ जो ये छेड़छाड़ वाली समस्याएं कम होती जाएंगी, और इससे बीजेपी सरकार आने से सबसे ज्यादा महिलाओं को इनकी सपोर्ट भी बीजेपी अच्छी करती है कि महिलाओं को मतलब जो जहाँ शिक्षा के स्तर पर ज्यादा ही बढ़ाया जाता है। जी चार सालों में महिलाओं के उसमें रोजगार में और सुरक्षा में क्या बदलाव हुए? रोजगार में तो बदलाव आया है, पढ़ाई के हिसाब से नौकरियां मिल रही हैं, लड़कियां बाहर जा रही हैं, यहाँ पर भी है, तो सुरक्षा तो जब से योगी जी आए तब से हुई है। नाम है आपका? सर्वेश गहलोत। सर्वेश जी, चार सालों में महिलाओं में क्या बदलाव देखती है महिलाओं के लिए सरकार द्वारा जो कुछ किया गया? मुझे कुछ भी नहीं दिखाई बदलाव दे रहा बेटा, जो ये सरकारी वाले इन्हें दे रहा है, मेरा तो बच्चा भी काम के लिए जाता है तो उसे काम नहीं मिलता, मेरे लिए कोई बदलाव नहीं है, अगर बच्चे मजदूरी कर लाते हैं तो खा लेते हैं बस। आपका नाम? पूनम। पूनम जी, पिछले चार सालों में महिलाओं में क्या बदलाव दिखती है जो सरकार द्वारा? महिला की सुरक्षा के हिसाब से देखा जाए तो औरतों के लिए बहुत कुछ बदलाव हुआ है, और अब रात के टाइम में भी महिला सुरक्षित निकलती हैं घर से, जॉब वाली महिला सुरक्षित पहुँचती हैं अपने ऑफिस में, वर्क करती हैं फ्रीली, रात को घर पर लेट नाइट भी आती हैं, तो कोई ऐसा टेंशन नहीं है जैसे पहले था। पहले घर से निकलना भी मुश्किल था, बीजेपी की गवर्नमेंट में बहुत फ़ायदा हुआ है, ऐसी बात नहीं है, और देखा जाए तो आने जाने के वाहनों में भी सुरक्षा हुई है, रोड्स बहुत बने हैं अब, और सारी रोड्स इतनी कंप्लीट हो चुकी हैं कि आराम से आप, टाइम भी कम लगता है ऑफिस जाने में, और बहुत फ़ायदा हुआ है गवर्नमेंट से। मेरा नाम मोनिका तनेजा है। मोनिका जी, क्या मानते हैं पिछले चार सालों में महिलाओं के लिए क्या किया सरकार ने, क्या मानते हैं? सरकार ने बहुत चेंज किया है, सरकार लेडीज़ को बहुत मोटिवेट कर रही है, बढ़ावा दे रही है हर सेक्टर में आने के लिए, हर फील्ड में आने के लिए। जैसे कि हम आप ये देखें कि आजकल अगर गर्ल्स के लिए ही बात करी जाए तो लड़कियों के लिए इतना बढ़ावा है कि 50% हर स्कूल्स में इन लोगों ने फीसेस हटा दी हैं। मेरा नाम नवप्रीत है जी। अभी जी क्या कहना चाहेंगे, पिछले चार सालों में क्या लगता है कि सरकार ने कुछ किया है मोदी सरकार? बिल्कुल किया है, मैं ये कहना चाहूँगी उन्होंने वुमेन्स एम्पावरमेंट के लिए काम किया है, उन्होंने वुमेन्स के लिए बहुत सारी जैसे कि वो गाँव में जैसे वुमेन्स को बाहर जाके शौचालय के नहीं थे वो सब उपलब्ध कराए हैं, और उन्होंने वुमेन्स के लिए हेल्पलाइन नंबर खोला है, प्लस बेटी बचाओ पे बहुत ज़्यादा उन्होंने अभियान चलाया हुआ है। तो सलोनी जी क्या कहना चाहेंगी, आज महिला दिवस भी है, पिछले चार सालों में बात की जाए तो मोदी सरकार ने महिलाओं के लिए क्या किया, क्या मानते हैं? हमारे प्रधानमंत्री ने हमारे लिए बहुत सारी योजनाएं बनाई हैं, लाइक वो गर्ल्स को बहुत मोटिवेट करते हैं, वो गर्ल्स को हमेशा कहते हैं कि आगे बढ़ना चाहिए, आजकल लड़कों से भी ज़्यादा अहमियत लड़कियों की है, आप जहाँ पर भी देखें स्कूल्स में कॉलेजेस में हर जगह लड़कियाँ ही आगे हैं, मार्क्स इनके ज़्यादा आ रहे हैं, सब कुछ लड़कियाँ ही कर रही हैं, और आजकल तो लड़कियाँ चांद को भी छू रही हैं। मेन तो तालीम है, और सरकार को क्या करना चाहिए, मुस्लिम समाज को करना चाहिए, हम लोगों को आगे आना चाहिए, उलमा को आना चाहिए, उन्हें बेदारी डालनी चाहिए, और जब और एक ये कि हमें सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, रिजर्वेशन मिलने चाहिए, भाई जब हमारे इतने खैरख्वाह हैं तो हमारी नौकरियों का रेशो तो बताओ, जब हमारे बेडरूम में दाखिल हो रहे हो तो हमें रेशो ये भी बताओ कि हमें क्या चाहिए, हमारे रोज़ी रोटी चाहिए, हमारा हस्बैंड अगर नहीं कमाता है तो हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें भी तो समाज में जगह दीजिए। मैं सेवा भारती से सीमा राजादा उपाध्यक्ष हूँ। महिलाओं के लिए सरकार ने बहुत काम किए हैं, महिलाओं का नंबर एक तो मकान के जो होता था महिलाओं के नाम नहीं होता था कि महिलाओं को तलाक दी निकाल दिया, मकान वकान कुछ नहीं मिलता, इससे अब मकान के बैनामे हो रहे हैं, महिलाओं के नाम हो रहे हैं, कन्या भू होती थी वो नहीं हो रही है, रेप कम हो रहे हैं, और महिलाओं के लिए मतलब शिक्षित हो रहे हैं, महिलाओं की शादी कराई है सरकार ने, 31
जो मोदी जी ने योजना चलाई है उसमें सारी महिलाओं की शादियाँ कराई हैं लड़कियों की। हुआ तो बहुत कुछ है, सुधार भी आए हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी जो टूटी और कमियां हैं, मैं चाह रही हूँ चार साल में पूरी नहीं हो पाई, आगे आने वाली जो हमारी सत्ता चल रही है, आने वाले विकास अगर हम लोगों के लिए महिलाओं के लिए हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। आज महिला दिवस है और आज प्रधानमंत्री का ट्वीट भी आया है महिलाओं के ऊपर, तो देखा जाए तो उनकी सरकार में चार साल हो गए, इन चार सालों में कितना बदलाव आया है महिलाओं के लिए? देखिए, चार साल में महिलाओं में काफ़ी बदलाव आई है और महिलाएं सुरक्षित महसूस कर रही हैं, और जो अभी चार साल की जो हमारी चल रही है, हम लोग काफ़ी आज़ाद हैं और हम लोग चाहते हैं कि इसी तरह से अगर आज़ादी रही तो हम लोगों की पंख और जम गई है और हम लोग उड़ान भरेंगे। आज महिला दिवस है और चारों तरफ महिलाओं की बात की जा रही है, महिला सशक्तिकरण, महिलाओं को न्याय मिले, महिलाओं को सुरक्षा मिले, प्रधानमंत्री का भी ट्वीट आया है महिलाओं के लिए, तो इन चार सालों में प्रधानमंत्री के शासन में, बीजेपी के शासन में कितना बदलाव महसूस कर रही हैं आप? देखा जाए तो मतलब जो ये बीजेपी की जो सरकार है, इसमें हम लोगों को हर तरह से सुरक्षा मिल रही है, हर तरह से फैसिलिटीज है, और हम लोग सुरक्षा के लिए मतलब काफ़ी चीज़ प्रोवाइड किया गया है। बदलाव तो हुआ है, बदलाव तो हुआ है, जैसे पहले अकेले निकलने से लोग डरते थे, लड़कियां डरती थी, औरतें डरती थी, हर कोई, मैं खुद बाहर रहती हूँ, मुझे खुद डर लगता था, लेकिन अब सुरक्षा की भावना महसूस होती है, लड़कियां भी सुरक्षित हैं और महिलाएं भी सुरक्षित हैं, तो उस तरह से जैसे पहले था उससे अब में बदलाव तो है बहुत। मेरा नाम पूजा है। इस महिला दिवस पर हम चाहते हैं कि सरकार ने जो भी हमसे वादे किए हैं वो वादे पूरे करें, और जैसे आजकल अकेली लड़की छोटी हो चाहे बड़ी हो, लेकिन वो बाहर निकलते समय सेफ नहीं है, और हम चाहते हैं कि सरकार मतलब अकेली लड़की जाए तो उसके लिए सेफ्टी होए, ताकि जो लोग भी बुरी नज़र से, गंदी नज़र से छोटे बच्चों को भी देखते हैं वो नज़र से ना देखें। क्या चाहते हैं आप इस बार महिला दिवस पर सरकार आपको? इस महिला दिवस पर हमने सरकार से बहुत उम्मीदें लगाई हुई हैं कि हमारे लिए सरकार कुछ सोचे और जो वादे वो करती आई हैं उन वादों को पूरा करें, क्योंकि आज की डेट में महिलाओं के साथ इतने ज़्यादा अत्याचार, इतने रेप केसेस हो चुके हैं, छोटी छोटी बच्चियां भी सुरक्षित नहीं हैं आज की डेट में, और जो सरकार हमसे वादे करती है उसके लिए वो हमेशा बोलती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन वो कुछ भी एक्शन नहीं लेती है। मेरा नाम आरती है। इस बार इस महिला दिवस पर आप सरकार से किस तरह की उम्मीद रखते हैं? हम उम्मीद रखते हैं कि इस महिला दिवस पर जितने भी वादे सरकार ने अपनी जनता से, अपने देश से करे हैं वो सभी पूरा करें, क्योंकि हमें इतनी घटनाएं होने के बाद भी हमें उम्मीद होती है हमारी सरकार से कि वो हमारे लिए अच्छी से अच्छी योजनाएं बनाएंगी, उनको योजनाओं को लागू करेंगे, उम्मीद तो हमें सरकार से रहती है, पर कोशिश यही रहेगी कि अच्छी से अच्छी फैसिलिटी और हमें मिलती रहे। तो आज मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हम लोगों के लिए बहुत गर्व की बात है, इस दिन हम सब लोग एकत्र होकर ये महिला दिवस मनाते हैं, और आज यहाँ पर जितनी भी महिलाएं, इसके अतिरिक्त जितनी भी महिलाएं हैं उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। महिला दिवस पर हमारी सारी बहनों को हम शुभकामनाएँ और बधाई देते हैं, और हम यहाँ सब इकट्ठे हुए महिला शक्ति रूपा के बोलते हैं महिला को, तो सिर्फ बोलने ही ना रह जाए, हम सब वाकई शक्तियाँ बन के उभरें, और वैसे तो कोई महिला कमज़ोर नहीं है, अगर है भी तो हम सब मिलके उसका सहयोग करेंगे, बस यही कहने आए हैं। चार साल में महिलाओं का कितना विकास, कितनी पावर बढ़ी है? देखिए, महिलाओं का विकास अपनी जगह जो हो रहा है वो बेचारी अपनी जद्दोजहद से जो कर रही हैं, लेकिन अगर आंकड़ों की आप बात करें तो पिछले चार साल में कहीं भी कोई नौकरी महिलाओं के लिए विशेष निकली हो, नहीं निकली, 33% आरक्षण की महिलाओं की मांग है संसद में, नहीं पास हुआ कोई भी बिल महिलाओं के विकास के लिए या महिलाओं को सशक्तिकरण के लिए, कोई भी बिल या कोई भी अध्यादेश इस तरह का कोई भी पिछले चार साल में तो पास हुआ नहीं। मेरा नाम मुन्नी आगड़ी है। मैं आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के शुभ पावन अवसर पर सभी बहनों को बधाई देती हूँ। आज महिला दिवस इसी रूप से मनाया जाता है कि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाए, पहले की अपेक्षा अब महिलाएं हर क्षेत्र में आगे हैं, आगे ही रहेंगे। मैं चाहती हूँ कि सभी बहनों को संघर्ष करना चाहिए कि हमें भी हर
प्रकार से अधिकार मिले और हर क्षेत्र में हमें आगे जाने का प्रयास करना चाहिए। आज महिला दिवस है, मैं चाहती हूँ कि हर बार ही महिला दिवस बहुत ही अच्छी तरह से होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को हर क्षेत्र में आगे होना चाहिए। क्योंकि जैसे हमारी प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी पहले रह चुकी हैं, वैसे हम लोग भी चाहते हैं कि हर नारी को सम्मान मिलना चाहिए। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज महिला दिवस है, इसके अपेक्षा हमें हर नारी को बराबर का सम्मान मिलना चाहिए। तो काफी आया है कि हम लोग जैसे इंटीरियर माना जाता था कुछ समय पहले कि महिलाओं को हर चीज में पल्लू में रहना है और सर से पल्लू नहीं हटाना है, लेकिन यह कि अब इस समय में फ्रीली हम हर चीज को एंजॉय कर सकते हैं, हर चीज को हम अपने अधिकारों के लिए हर चीज के लिए हम उनसे कह सकते हैं। बहुत बदलाव हुए हैं पिछले हमारे देखते देखते 4 सालों में। जब हम पहले काम करते थे तो बहुत छोटे लेवल से हमने यहाँ पर काम शुरू किया था, हमको खुद मतलब लोगों को कन्विंस करना नहीं आता था, लेकिन आज हम लोग इतने सक्षम हो गए हैं, हम एक सामने वाले से अच्छे फेस टू फेस अच्छे से बात करते हैं, हमें एक आपको विश्वास आया है, महिलाएं हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, कोई